एक्टर बहुत बहुत खुशी होती है। आई होप कि हमारे इंडिया में हर जगह वो दिखाया जाए फ्रीली, ताकि लोग देख के डिसाइड करें कि उनको पसंद आए या नहीं। इतने लोग जा रहे हैं, फुटफॉल्स इतने हैं थिएटर में, तो फील्स ग्रेट। आई फील लाइक आई एम लिविंग अ ड्रीम। आई डोंट नो कि ये सपना है कि रियलिटी है। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। दि केरला स्टोरी के कास्ट और मेकर्स ने मुंबई में एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म के बारे में कुछ इनकशाफात किए। ये फिल्म, जो कि 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, फिल्म सास सिदिप्टू सेन की दि केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर हैरान कुन ब्लॉकबस्टर बनकर उभर रही है। टीम ने हाल ही में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए थे, जहां इन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में तमाम तर तफसीलात बताई। सिदिप्टू सेन की हिदायतकारी में बनने वाली और विपुल शाह की जानिब से बैंकरोल वाली ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा रही है। सिर्फ 12 दिनों के अंदर अंदर दि केरला स्टोरी ने हिंदुस्तान भर में 150 करोड़ रुपए का हिंसे को उबूर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिदिप्टू सेन ने पहली बार जिंदा बच जाने वालों से खुसूसी मुलाकात को याद किया और इन्हें इस तरह के हसास मौजू पर फिल्म बनाने के लिए किस चीज़ ने मुतहरिक किया, उस बात का भी जिक्र किया। केरला की कहानी में शालिनी अनिनी कृष्णन, फातिमा बाका किरदार अदा करने वाली अदा शर्मा भी इस तकरीब में मौजूद थी। फिल्म में अदाकारा की अदाकारी को खूब ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए मैं क्या ही करूँ, क्या ही बोलूँ, बिकॉज आई थिंक फर्स्टली एज एन एक्टर बॉक्स ऑफिस जस्ट मीन्स कि और लोग जाके देख रहे हैं आपकी फिल्म। अभी इंटरनेशनली भी रिलीज हुई है एंड फ्रॉम स्वीडन, डेनमार्क, यूके में वो बैन उठाया गया है एंड फाइनली रिलीज कर रहे हैं यूके में, यूएस से। तो उनकी वीडियोस देख के, इंटरनेशनली भी देख के एज एन एक्टर बहुत बहुत खुशी होती है। एंड अभी भी वेस्ट बंगाल में बैंड है। आई होप कि हमारे इंडिया में हर जगह वो दिखाया जाए फ्रीली, ताकि लोग देख के डिसाइड करें कि उनको पसंद आए या नहीं। बट बहुत प्यार मिल रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि रेस्पॉन्स ऑफ द व्यूअर्स हम लोग अभी सब सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। एंड इतने लोग जा रहे हैं, फुटफॉल्स इतने हैं थिएटर में, तो फील्स ग्रेट। एंड द रेस्पॉन्स ऑल्सो, आई फील लाइक आई एम लिविंग अ ड्रीम। आई डोंट नो कि ये सपना है कि रियलिटी।